अभी तक आपने देखा, हमने इसका मेन चैम्बर फिटिंग कर दिया, मेन स्टैंड लगा लिया है, तो हमारा अभी तक का प्रोसेस सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम इसका हेड ब्लॉक फिटिंग करने वाले हैं। तो हेड ब्लॉक फिटिंग करने से पहले हम इसका पिस्टन में रिंगे बिठाएंगे, वो सब कंप्लीट करके हेड ब्लॉक फिटिंग करेंगे। तो अभी हमने पिस्टन में सारी रिंग बिठा दी है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस हिसाब से बिठाई है। तो हमारा ये पिस्टन, ये वाला जो बड़ा वाल है वो साइड, मतलब ये ऊपर की साइड हो गया, नीचे की साइड, और ये आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है वो सीधा रखना है, मतलब 0.25 हम बैठे हैं तो हमको सीधा दिखना चाहिए सामने की साइड से, उस हिसाब से पिस्टन रखना है। उसके बाद में हमारी रिंगे हमने बिठा दी है, आप देख सकते हो ये तीनों पीछे की जो रिंग है वो, और ये दोनों टॉप वन और टॉप टू दोनों उसके अपोजिट साइड पे, और ये हमारी तीनों जो रिंग है ऑयल रिंग वो दोनों, ये तीनों हमारी एक इधर, एक बीच में और एक इधर, ऐसे लगाइए ठीक। तो अभी हमारा पिस्टन हम इसमें लगा देंगे। तो पिस्टन लगाने से पहले मैंने एक साइड पे इसका लॉक भी लगा दिया है, और अब जो है पिस्टन हमारा आ चुका है कंप्लीट लेवल में। तो अब इसकी हम गजन पिन डाल देते हैं। तो हमारी गजन पिन बैठ चुकी है लो पिस्टन के अंदर, और अब जो है हम इसमें दूसरी साइड का लॉक लगा लेंगे। तो हमारे दोनों लॉक बैठ चुके हैं दोनों साइड के, और हमारी रिंगे तो अभी हमने बिठा दी है। अब जो है हम एक बार कंफर्म कर लेंगे कि हम जिस जगह पे हमारी रिंगे इंजन फिट करते वक्त रखते हैं उस हिसाब से है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे हमारी फर्स्ट वाली टॉप वन यहाँ पे है, टॉप टू थोड़ा इधर है, और तीनों रिंग हमारी इस साइड पे है, एक बीच में, एक इधर और एक इधर। तो हमारी रिंगे सब कंप्लीट है अभी। तो अब जो है हम इसको पैकिंग लगा के ब्लॉक बिठा देते हैं। तो अभी जो है हमने पैकिंग में एकदम हल्की हल्की बॉन्ड लगा ली है, और ये जो हॉल है यहाँ से ऑयल सप्लाई आएगा, तो उसके आजू बाजू में मैंने एकदम हल्की, मतलब हल्की एकदम निकाल दी है, समझ लो कि इतनी कम बॉन्ड लगा ली है। और अब जो है हम इसको फिटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने ये कंप्लीट पैकिंग लगा दिया है, अब जो हम इसमें ब्लॉक लगाएंगे। तो अभी पैकिंग लग चुका है, हमारी सब रिंग भी कंप्लीट, पिस्टन विस्टन सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम इसके हमारा ब्लॉक लगा देंगे। तो ब्लॉक लगाने से पहले इसमें हमने ऑयल थोड़ा लगा लिया है, और अब जो है
कंप्लीट बैठ चुका है एकदम आसानी से। अब जो है हम इसका आगे की प्रोसेस चालू करेंगे, जिसमें हमारा हेड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा हेड पड़ा है यहाँ पे, इसको कंप्लीट करेंगे फिर उसको लगाएंगे। तो अभी इसके बाद में अभी हेड कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब जो है हम इसका हेड में कैम शाफ्ट, उसके रॉकर, वो सब कंप्लीट फिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बिठाएंगे हमारी कैम शाफ्ट। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से यहाँ से जाके ये हमारी कैम शाफ्ट बैठ गई। अब कैम शाफ्ट तो लग गई है, उसके बाद में जो है हमें यहाँ पे एक पट्टी लगाना है। तो ये पट्टी जो है ये हमारा ये रहा, ये पट्टी हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, मार्किंग है उस साइड से लगाना तो भी लगा सकते हो, उल्टा लगाना तो भी लगा सकते हो। तो अभी हमारी कैम शाफ्ट की पट्टी लग चुकी है और इसका स्क्रू लग चुका है। अब जो है हम लगाएंगे इसके रॉकर। अभी रॉकर लगाने से पहले उसको हम चेक कर लेंगे कि भाई रॉकर सही है कि नहीं। अभी ये रॉकर सही है इसलिए मैं यही चलाऊंगा, इसकी कैम शाफ्ट भी वही है क्योंकि ये भी एकदम कंप्लीट है। तो आप देख सकते हो इसमें कोई प्ले नहीं है, ना ही अंदर से कहीं से पकड़ा गया है या कोई घिसाव, एकदम कंप्लीट है। तो ये रॉकर ही हम लगा देंगे इसमें। अब जो है ये रॉकर तो हम लगा देंगे, लेकिन ये दो पिन है, इसमें कौन सी पिन किस सेट पे लगेगी वो भी कंफर्म करना पड़ेगा हमको। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी पिन कौन किस सेट पे लगेगी। तो ये रॉकर हमने लगा दिया। अब जो है हमारे हाथ में दो पिन है, उसमें मैं जो है सबसे पहले ये बड़ी वाली पिन जो है उसको मैं इस साइड पे लगाने की कोशिश करता हूँ। अभी रॉकर भी निकाल लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसको इस साइड पे लगाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम इसको ऑयलिंग कर लेते हैं। और आप देख सकते हो इधर एक होल दिया है, इसमें एक बोल्ट लगता है 8 नंबर का। तो मैं इसको इधर से डाल के देखता हूँ वो क्या कम उसमें लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अभी आप देख सकते हो हमने इसको पूरा अंडर लगा दिया, लेकिन कहीं पे होल नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो अंदर होल दिख ही नहीं रहा है, तो ये वाली इधर लगेगी नहीं, बड़ी वाली। अब जो है ये छोटी वाली जो है उसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, छोटी वाली ये। अब जो है मैं रॉकर को लगा ही लेता हूँ क्योंकि यही वाली यहाँ लगने वाली है, क्योंकि बड़ी वाली तो हमने ट्राई कर ली। तो अभी आप देख सकते हो ये हमने यहाँ पे लगाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होल कंप्लीट आ चुका है। अभी आप देख सकते हो मैंने इधर जैसे छोटी वाली लगाई तो ये हमारी कंप्लीट इधर होल में आ चुकी है, रेडी। तो ये हमारी इधर लग चुकी। अब जो बची वो बड़ी वाली, तो लंबी वाली जो थी, ये जो हमने इधर ट्राई किया, ये जो बची है इधर लगेगी और ये ऐसे लगेगी। तो इसको थोड़ा ऑयल लगा के रॉकर लगा देते हैं। और अब जो है इसको हम अब जो है हमने इसका ये सेटिंग नट थोड़ा लूज कर लिया है रॉकर का। और अब जो है हम इसको पिन को अंडर डाल देते। देखिए इधर होल कंप्लीट आ चुका है। तो ये हमारा हेड का काम यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका। अब ये जो दो छोटे बोल्ट है 8 नंबर के जो इसमें लगेंगे दोनों साइड पे, तो हमें लगाना है दूसरा। दोनों हमारे कंप्लीट लग चुके हैं। अब इसको नॉर्मली ताकत लगा के टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल जो होता है उस हिसाब से, बस इतना, क्योंकि इसका आटा स्लिप हो जाने का चांस है इसलिए लिमिट में टाइट कर दिया। तो अभी जो है हमने दोनों डोवेल पिन लगा ली, दोनों डोवेल पिन कंप्लीट लगा दिए।
और अब जो है सबसे पहले लगेगी ये हमारी टाइमिंग चेन की गाइड। तो ये टाइमिंग चेन की गाइड इस हिसाब से हमको ऐसे लगाना है, जो हमारी ये लग चुकी है। अब जो है हमें इसका पैकिंग लगाना है। ये पैकिंग उल्टा है, हम इसको घुमा के डालेंगे ये इस तरीके से। ये अभी आ गया कंप्लीट। तो अभी हमारा ये पैकिंग कंप्लीट लग चुका है, ये इस हिसाब से लगेगा। ये हो गया हमारा पैकिंग कंप्लीट। इसमें भी हमने हल्के हल्के बॉन्ड लगा लिए। अब जो है हम इसका लगाएंगे हेड। तो हेड लगाने से पहले उसकी सीट कंप्लीट साफ़ सफाई करके हमने रख दी है। वाल वाल सब नए हैं, वाल सब कंप्लीट नए डलवा दिए हैं। अब जो है हमको इतना ख्याल रखना है कि ये वाली जो साइड है वो है इनलेट, और ये वाली साइड जो है वो एग्जॉस्ट। वो तो आपको पता चली जाएगा जो भी हो। तो ये इनलेट साइज है और ये एग्जॉस्ट साइज को फिटिंग करते हैं। ये हमारा हेड भी कंप्लीट लग चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो एकदम कंप्लीट फिटिंग आ चुका है हेड का भी पूरी जगह से। अब जो है हम इसको टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ये चार वाइसर और चार उसकी नट। तो अब जो है हमने इसके चारों नट टाइट कर लिए, स्टड रोकर सब कंप्लीट लग चुका है। अब जो है हम यहाँ पे दो बोल्ट आते हैं 8 नंबर के, ये लंबे, ये दो बोल्ट लगा के इसको कंप्लीट हेड को टाइट कर देंगे। तो अभी हमारे ये दोनों बोल्ट भी टाइट हो चुके हैं। अब जो है हम सबसे पहले मैग्नेट साइड फिटिंग करेंगे और मैग्नेट साइड फिटिंग करके टाइमिंग सेटिंग करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम मैग्नेट साइड का कंप्लीट करेंगे।